7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें मालूम है कि यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस के तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फंक्शन दो फंक्शन तीन फंक्शन, ये तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी दो फंक्शंस को एक साथ लेकर पहले उसमें मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और किसी एक फंक्शन को रहने देंगे। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को कॉस 2x है, कॉस 4x है और कॉस 6x है, तो किसको लूँ साथ में, ये कैसे पता चलेगा? सर टू से सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो कर सकते हैं। सर मैंने पहले cos 6x और cos 4x को खोला था और उसके बाद cos 2x की मल्टीप्लाई करके ना फिर cos स्क्वायर 2x आ गया था। सर उसको एक्सपेंड बता दो एक बार। एक मिनट रुको, जैसे मान लो तुमने cos 4x और cos 6x को लिया, ठीक है, तो यस तुमने फॉर्मूला तो ये लगाया होगा ना, टू cos a cos b वाला, हाँ जी सर यही लगाया था। टू cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो अब इसमें तुम्हारा कॉस ए प्लस बी एक तो आ गया होगा कॉस टेन एक्स, ठीक है, और एक आ गया होगा 4x माइनस 6x, तो कॉस माइनस 2x, जिसको कॉस 2x ही बोलते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर 2x, इससे क्या होगा, मुझे जो दिखाई दे रहा है, तुमने इन दोनों को लिया ना पहले साथ में, यस सर ये मेरे पास ऐसे हो गया कॉस 2x, और फिर जब इन दोनों को साथ में लिया कॉस 4x और कॉस 6x, तो तुमने ये ऐसे करा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड मतलब 1 अपॉन 2 आपने बाहर ले लिया होगा इस तरह से, फिर यस 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 2x और 2 cos a cos b, यानी कि cos a plus b plus cos a minus b, जब cos a plus b करेंगे तो ये हो जाएगा cos tan x प्लस cos a minus b करेंगे तो cos 4x minus 6x होगा, यानी कि cos minus 2x, और cos minus 2x को मैं plus 2x ही बोल देता हूँ, cos plus 2x, cos में negative sign अंदर ही consume हो जाता है, तो ये हो गया cos 2x dx। फिर इसको आपने split करा होगा, अलग-अलग एक्सपेंड किया होगा, ये आ गया मेरे पास cos 2x cos 10x plus cos square 2x। अब तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि cos square इन दोनों में तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, यस लेकिन cos square 2x में क्या करना है, तो ये हमारे पास जैसे फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मान लो मैं 1 प्लस cos 4x कर दूं, भाई जैसे मान लीजिए ये 2x था, तो 2x का हाफ हो गया यहाँ पर कितना x, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ, अब मेरे को यहाँ पर चाहिए 2x, तो अगर मैं यहाँ पर 4x कर दूं तो 4x का आधा 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, और ये 2 है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। अब छोड़ दो, आप कर लोगे, सर इसके बाद ही तो आंसर गलत आया मेरा, ये तो मेरा मैंने कर लिया था। चलिए ठीक है। मेरे हिसाब से ना तुम्हें 2x और 4x, cos 2x और cos 4x को साथ साथ में लेना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, हमने कहा कि चलिए यहां तक करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, फिर से देखिएगा, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 2x cos tan x ठीक, प्लस cos square 2x को मैं लिख दूंगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, ये पूरा का पूरा, और dx यहां पर आ गया, एलसीएम ले लीजिए, मैं ये फॉर्मूले तो मिटा दूंगा,
अच्छा पहले ही बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन का अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से करा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आप cos 2x और cos 4x को साथ साथ लेकर चलोगे तो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 10x 2 cos 2x cos 10x ठीक है, और प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और पूरे के अपॉन में आ गया 2 और dx। अब इस 2 को बाहर ले जाओ 1 अपॉन 4, अब सबको स्प्लिट कर दो 2 cos 2x cos 10x dx, ये अलग हो गया प्लस ये 1 अपॉन 4 तो है सभी में आएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है आपको सभी को 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन? अब जरा देखिए 2 cos a cos b, फिर से लगाओ इसमें फॉर्मूला cos a plus b plus cos a minus b, तो cos a plus b सीधा लिख रहा हूं मैं cos 12x plus cos a minus b, 2x minus 10x कितना हो गया minus 8x, minus 8x मतलब 8x अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा और dx करेक्ट प्लस 1 अपॉन 4, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 cos 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 4x और फर्दर 4x को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 आएगा उससे मैं डिवाइड कर देता हूं अपॉन 4 प्लस c इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब इंटीग्रेशन देखिए cos 12x का इंटीग्रल क्या हो गया sin 12x upon 12 plus cos 8x का इंटीग्रल क्या हो गया sin 8x upon 8, बाहर 1 upon 4 था ही ठीक है। अभी 1 upon 4 इन सब में भी है तो आप क्या करिए ब्रैकेट a की कर लो प्लस x प्लस x और ये इधर दिखाई नहीं देगा प्लस साइन 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब बता दीजिए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है और बताइए और किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट? अच्छा ये वाला क्लियर है सभी को? बताइए अनिकेत क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? आराध्या कृतिका मुस्कान बताइए। यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है इसके बाद बताइए एक्सरसाइज 7.3 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन, मैं लास्ट से चलना शुरू हुआ था और मैंने शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिया था मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बता दीजिए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। सर आपने 20 तक करवाया था। ठीक है क्या क्या कह रहे हो बताओ? सर 20 तक करवाया था। 20 तक करवाया था तो क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक बता दीजिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो। ओजस मयंक? नो सर। बताइए संजना करे नहीं है या डाउट नहीं है ये बता दो। सर मैं कोई और डाउट है तुम लोगों ने करा ही नहीं है कुछ आज इसका मतलब समझ गया हूँ। सर मेरे को 13th वाले में डाउट है। 13 वाले में, 13 वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है y is equal to cos 2x minus cos 2 alpha इंटीग्रेशन cos 2x minus cos
टू अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू अल्फा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और आगे डीएक्स अपॉन में है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो चाहे तो बीच में माइनस का साइन लगाकर ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा कर दीजिए। और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और डी एक्स, ये हो गया। यहां तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं, कि फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने वही लगाया, cos 2x को मैंने लिख दिया cos square x minus sin square x, और cos 2 alpha को लिख दिया cos square alpha minus sin square alpha, हमने ये करा। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको, मतलब इन दोनों को अलग अलग स्प्रेड कर देंगे। हमने ऐसे कर दिया इंटीग्रेशन cos square x minus cos square alpha upon cos x minus cos alpha into dx, एक तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, और फिर इसको अलग कर दो, minus integration sin square x minus sin square alpha upon cos x minus cos alpha dx, समझ गए। और अब जो ये वाला है फर्स्ट पार्ट जो इंटीग्रल का बेटा, इसको मैंने बोल दिया आई वन, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको मैंने बोल दिया आई टू, ठीक। यहां लिख दीजिए से, ये मैंने माना, यहां पर भी लिख दीजिए से, ये मैंने माना। ये मैं क्या कर रहा था, आई कर रहा था, आई को मैं आई निकालना चाहता था, तो इसके मैंने दो पार्ट कर लिए इंटीग्रल के। फर्स्ट पार्ट को मैंने बोल दिया आई वन, तो आई इज इक्वल टू आई वन, बीच में माइनस का साइन है माइनस आई टू, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर वन, ठीक। तो मैं अब आई वन और आई टू को अलग अलग सॉल्व करके और फाइनली आई वन की वैल्यू उधर और आई टू की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सबसे पहले आई वन को अलग सॉल्व करते हैं, मैं यहां कर रहा हूं, आई वन क्या हो जाएगा, I1 is equal to cos square x minus cos square alpha, इसको मैं लिखूंगा integration, मैं a square minus b square की जो हमने बचपन में identity पढ़ी थी मैं वो लगाऊंगा यहाँ, a plus b into a minus b, तो ये हो जाएगा देखिए cos x plus cos alpha multiplied by cos x minus cos alpha upon cos x minus cos alpha dx, ठीक है। cos x minus cos alpha से cos x minus cos alpha cancel out हो गया, integration केवल अब क्या बचा, cos x plus cos alpha dx, बीच में plus का sign है तो इसको अलग integrate करो, इसको अलग integrate करो और बीच में plus लगा दो। तो देखिए cos का integration, cos x का integration होता है sin x प्लस, ये जो कॉस अल्फा है दिस इज अ कांस्टेंट,
तो बल्कि एक काम करो, एक बार देख लो आप, ये तो कंफ्यूज हो गए, आगे से सीधा सीधा कर देंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन प्लस कॉस अल्फा इनटू इंटीग्रेशन वन डीएक्स, ये समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? कॉस अल्फा तो अल्फा तो कोई कांस्टेंट है ना, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो एक्स वाला ही तो मेरे पास इंटीग्रैंड होगा, ये जो कॉस अल्फा है ये तो मेरे लिए कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉस अल्फा को जब इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल से पहले रखो और वन का इंटीग्रेशन कर दो, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस अल्फा एज इट इज, कॉस अल्फा एज इट इज और वन का इंटीग्रल हो गया एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आई वन हो गया। अब बात करते हैं आई टू की, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अनिकेत मेरी आवाज आ रही है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डीएक्स। अब क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में है मैं इस तरफ कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, इस तरफ कर रहा हूं उसको, आगे अब देखिएगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस का साइन है, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ रहा है, तो यहां से माइनस निकाल लो आप कॉमन, माइनस आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन अब क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स, ये क्या था, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये क्या था i1, ये क्या हो गया माइनस का i1, समझ में आया कि नहीं ये बताइए, आ गया सर, ठीक है, ये पूरा मेरे पास i1 ही बन गया, तो माइनस i1, ठीक, अब हम क्या करेंगे, therefore y is equal to i1 minus i2, तो I1 माइनस I2 मैंने कैलकुलेट करा है, I2 की वैल्यू आई है माइनस I1, तो I2 की जगह आप डाल दीजिए माइनस I1, ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ I1, I1 प्लस I1माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ट्वाइस I1, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो I1 आया था ना ये एज इट इज लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस x cos alpha plus c, सभी को समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए, yes sir, yes sir, देखिए आप लास्ट में ना इसका आप पीछे जो आंसर दे रखे हैं उनमें आंसर्स चेक करेंगे, हो सकता है आंसर अलग हो लेकिन मेथड 100% सही है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ मेथड चेक किया जाएगा, आंसर्स डिफर कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो देख लीजिए पीछे आंसर यही है या कुछ और है, sir, यही है, यही है, चलिए ठीक है, और बताइए बेटा और कोई क्वेश्चन हो इसमें, नो सर,
बताओ ओजस, संजना, आकृति? नहीं सर, नहीं है। नो सर। ठीक है, चलिए फिर मैं अगला स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है तो इसमें ना आपको 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और एक दो मेथड्स हैं अलग से, वो आपको बताऊंगा। पेज नंबर 307 पर ही ये फॉर्मूले दे रखे हैं, तो ये करने हैं हमको। सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। मयंक, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 13th? यस सर, आ गया। ठीक है, आकर्ष जितना अभी बताया उतना क्लियर है? हाँ जी सर। अनिकेत, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? चलिए नेक्स्ट है, पेज नंबर 307 पर बिल्कुल नीचे दे रखा है इंटीग्रल्स ऑफ सम, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1/(x²-a²)dx, ये हो जाएगा 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/(a²-x²dx) is equal to 1/2a, यहाँ पर a constant है और x variable है, ठीक है? 1/2a log mod a plus x upon a minus x plus c। third formula इंटीग्रेशन 1/(x²+a²dx) इज इक्वल टू 1/(a) टैन इनवर्स x/(a) प्लस सी। तीन फॉर्मूले ये हो गए। अब इसी तरीके से यही तीन फॉर्मूले हैं जैसे डिनोमिनेटर में x²-a² a²-x² और x²+a². अब जो अगले तीन फॉर्मूले करेंगे उनमें 1/√(x²-a²) हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। फिर यहां पर भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 1/√(a²-x²। तो तीन, मतलब आप ग्रुप्स बना के पढ़िएगा इन तीन फॉर्मूलों को, ऐसे याद करिएगा कि पहले ये तीन फॉर्मूले करें फिर अगले तीन फॉर्मूले। तो अगले तीन फॉर्मूले भी मैं लिखवा रहा हूँ, इधर से मिटा कर यहाँ पर लिखा हूँ। 1, 2, 3 तीन फॉर्मूले तो ये हो गए और इनको आपको ऐसे याद करना है और ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, बच्चों से गलती हो जाती है इन फॉर्मूलों में कि a प्लस एक्स कहाँ करना है, a माइनस एक्स कहाँ करना है, वो गलती ना हो आपसे, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे अगला फॉर्मूला है 1, 2, 3 तीन फॉर्मूले तो ये हो गए। फोर्थ फॉर्मूला इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/(, क्या करेंगे, x²-a² का अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट x²-a²dx 1/(√(x²-a²dx)। ये हो जाएगा, बेहद आसान है ये वाले, log mod x plus अंडर रूट x²-a² प्लस सी। कैसे याद करेंगे, कुछ भी नहीं, अंडर रूट x² - a² अगर डिनोमिनेटर में है तो लॉग
mod x plus यही वाला function, log mod x plus यही वाला function, ठीक, plus c, इसी तरीके से अगला देखते हैं फिफ्थ formula क्या होगा, 1 upon under root a square minus x square, integration 1 upon under root a square minus x square dx, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसका मैं नीचे लिख रहा हूं, is equal to log mod, sorry, इसका होता है sin inverse x upon a plus c, इसका होता है sin inverse x upon a plus c, उसके बाद अगला क्या होगा, 1 upon under root x square plus a square, ये करते हैं, 6 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या होगा, लॉग मॉड, बिल्कुल इसी की तरह कि एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सी लास्ट में आते हैं, ठीक है, लास्ट में प्लस सी है, बताइए ये छह फॉर्मूले समझ में आ गए ना सभी को, इनको एज तक लर्न करना है आपको, यस सर आ गए, ठीक है, छह फॉर्मूले तो ये हैं, उसके बाद क्या करना है कि इन्हीं के, इन्हीं ये जो छह फॉर्मूले हैं, इन्हीं का आपको एक फंडा और तैयार करना है कि अब जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, मान लो कि ये न्यूमरेटर में आ जाए और ये भी न्यूमरेटर में आ जाए, ये भी न्यूमरेटर में आ जाए, तो क्या करना है, तो देखिएगा क्या करेंगे, तो जैसे 1 2 3 तीन तो ये ग्रुप बन गए, 4 5 6 तीन ग्रुप ये बन गए, अब तीन और कर लीजिए 7, ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दो फॉर्मूले मैंने करे हैं, दो फॉर्मूलों को कंबाइन कर लेना होगा, अब देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और जो ये फंक्शन है एज इट इज लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब जैसे मान लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो ये मेरे पास था 1.2 log x minus a plus x plus a, इसका कुछ नहीं करना, हमें तो अंडर रूट वाला लेकर चलना है, तो जब अंडर रूट वाला है तो अंडर रूट वाले में मैं क्या करूंगा कि log mod x plus अंडर रूट x square minus a square, यहां लिखेंगे log mod x plus अंडर रूट, दिखाई दे रहा है कि नहीं, x square minus a square, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर, तो यहां लिख दो माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये करना है, और लास्ट में प्लस सी तो आप देंगे सभी को, ये 7 हो गया, बिल्कुल फोर्थ से ही, आप ये देखो मुझे क्या करना था, सबसे पहले एक्स बाई टू और एज इट इज ये वाला फंक्शन, फिर यहां पर क्योंकि ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू कर देंगे लॉग, और फिर ये वाला x plus under root x square minus a square plus c, इसी तरह से अब मैं इसकी बात करता हूँ कि अब ये under root a square minus a square, under root a square minus x square numerator में अगर आ जाए तो इधर ऊपर करता हूँ, integration under root a square minus x square dx,
सबसे पहले मैंने क्या करा था कि ओरिजिनल फंक्शन में x by 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ओरिजिनल फंक्शन में x by 2 मल्टीप्लाई कर दो यहां पर भी, x by 2 अंडर रूट a square minus x square, ठीक है। उसके बाद ये देखो a square पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का है तो लिखो प्लस का a square by 2, पॉजिटिव है तो प्लस का a square by 2। और फिर ये वाला जब डिनोमिनेटर में था तो क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन है, दो साइन इनवर्स x अपॉन प्लस c। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला भी ठीक है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है फॉर्मूला। yes, अगर आपने ये तीनों याद कर लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। अब जरा ये वाला देखो, मैं 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको अगर न्यूमरेटर में ले आए, इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, सबसे पहले क्या करो x by 2 into ये फंक्शन as it is, x by 2 into ये वाला फंक्शन x square plus a square, अब देखो a square positive का है, जी हाँ, तो plus का a square by 2, और फिर one upon root of x square plus a square, जब इसको integrate करेंगे, तो ये आ रहा था, तो ये function as it is, देखो यहाँ पर, log mod x plus under root x square plus a square plus c, ये है, बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं? Yes sir. ठीक है, ये 9 के 9 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, याद रखने का जो आपको स्टाइल समझ में आए वो समझ लेना। सबसे पहले सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस वाले फॉर्मूले पहले आते हैं, फिर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों में क्या होगा 1 अपॉन 2a, log log दोनों में है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में मैं पहले करूंगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, लेकिन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में देखो है क्या, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, x plus a into x minus a, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में मैं ऊपर लिखूंगा x minus a, नीचे लिखूंगा x plus a, a square minus x square में होता है a plus x into a minus x, तो इस पे plus वाला ऊपर लिखेंगे, मतलब a plus x upon a minus x, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, याद रखने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कैसे भी करके रट्टा लगाना है इन फॉर्मूलों का, ठीक है, और मेथड वो याद रखना जो दिमाग से ना निकले, क्योंकि अगर आपने a minus x upon a plus x कर दिया या गलती से 1 upon tan inverse x upon a वो यहाँ लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो इसलिए इनको याद रख लेना ढंग से। पहला और दूसरा फॉर्मूला दोनों माइनस माइनस वाले हैं, x square minus a square और डिनोमिनेटर में a square minus x square, तो दोनों में 1 upon 2a log log ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और जहां पर 1 upon x square plus a square आ जाएगा ये हो जाएगा 1 upon a tan inverse x upon a, तीन फॉर्मूले तो ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं अगले इन तीन फॉर्मूलों की, तो 1 upon x square minus a square, 1 upon a square minus x square, 1 upon x square plus a square, तीनों में denominator में under root है, under root, under root, under root, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो formula है पहला और तीसरा, इसमें क्या करना है, log x plus same function, log x plus same function, ये denominator, जो denominator है log x plus under root x square plus a square, log x plus under root x square minus a square, बस ये बीच वाला है, इसमें sin inverse x upon a होता है, याद रखना गलती ना हो, यहाँ 1 upon a tan inverse x upon a होता है, लेकिन यहाँ 1 upon a sin inverse x upon a नहीं होगा, सिर्फ sin inverse x upon a होगा, गलती ना हो, याद रखिएगा। उसके बाद सातवां, आठवां और नौवां, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट x square minus a square है, अंडर रूट a square minus x square और अंडर रूट x square plus a square, सबसे पहले तीनों में x by 2 x by 2 into function, उसके बाद सिर्फ ये फॉर्मूला है जिसमें a square negative का है, तो यहाँ minus a square by 2, इसमें भी a square positive का है, इसमें भी a square positive है, तो plus का a square by 2, plus का a square by 2, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जब x square minus a square था, इसमें तो as it is ये रख देना है, a square minus x square है, उसमें as it is sin inverse x upon a, और under root x square plus a square, उसमें as it is ये वाला रख देना है। बताइए याद करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये 9 फॉर्मूले हैं, सर कर लेंगे याद, कोशिश कर लेना, मैंने एक तरीका बताया, अगर लगता है कि नहीं याद हो पा रहे हैं या मिक्सिंग हो रही है इन फॉर्मूलों की, तो तीन तीन के ग्रुप बनाकर अलग अलग लिख लेना, मैंने जिस तरह से याद कर रखे मैंने वो तरीका आपको बता दिया, बाकी सबका प्रूफ है,
सबका प्रूफ एंड फॉर्मूल होगा, आप प्रूफ भी कर सकते हैं इनको, वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में कभी भी, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप याद कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है आपका पेज नंबर 1. आगे कुछ मेथड्स भी दे रखे हैं, वो मेथड्स मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान ही बता दूंगा, ठीक है। पेज नंबर 311 पर आप आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। पेज नंबर 311 एग्जाम्पल नंबर 8 मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी ने नोट कर लिया ना फॉर्मूले सीक्वेंशियली? यस सर। अनिकेत मेरी आवाज आ रही है या आवाज आई नहीं रही? बहुत देर से पूछ रहा हूँ मैं, नहीं पहुंच रही है। चलो किससे सर? आवाज नहीं आ रही होगी, बहुत देर से पूछ रहा हूँ तुम्हें। नहीं सर वो बोलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 311 एग्जांपल नंबर 8। Example 8 में क्या है? Find the following integrals: dx upon x square minus 16, I is equal to dx upon x square minus 16. क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में लिखिए 1 upon x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू dx। तो क्या हो गया 1 upon x square minus a square, क्या फॉर्मूला होता है? 1 upon 2a यानी कि 1 upon 2 into 4 log mod x minus a upon x plus a plus c यानी कि 1 upon 8 log mod x minus 4 upon x plus 4 plus c। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था एग्जांपल नंबर 8 का, फिर सेकंड पार्ट ये लास्ट में जो इधर फॉर्मूले लिखे हैं मैं मिटा रहा हूं। किसी भी बच्चे को कोई चीज ना समझ में आया प्लीज बीच में रोक देना, मुझे दोबारा बता दूंगा। देखिएगा सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर अगर हमें ऐसे कोई फंक्शन दिया हो, मतलब जैसे 1 upon x square minus fx square dx, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ना जैसे मान लीजिए मुझे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है या मान लो मुझे कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, हालांकि क्यूबिक इक्वेशन आता नहीं है एग्जाम में, अगर मान लीजिए दे रखा है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के और फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अभी वो वाला मेथड बताया नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आते हैं मैं अभी समझा दूंगा वो मेथड। ओके सर, ठीक है। तो उसी तरीके की चीज देखिए यहाँ पर दे रखी है इसमें, ये जो नेक्स्ट है ना सेकंड वाला एग्जांपल, इसमें मैं बताता हूँ वही चीज दे रखी है जो आप पूछ रहे। देखिए ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2x माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 2x माइनस x स्क्वायर। अब जब ये दे दिया मेरे को तो यहां पर आके देखिए कि ये मेरे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ साथ x वाली टर्म भी है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये जो x स्क्वायर वाला टर्म है ये नेगेटिव दे रखा है, सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाना है। कैसे? अंडर रूट के अंदर ही माइनस वन कॉमन ले लीजिए सबसे पहले आप। अंडर रूट के अंदर ही मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में मेरे पास बचा x स्क्वायर माइनस 2x। मुझे लगता है ये चीज तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस 1 और फिर x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वही मेथड जो आप सब लोग जानते हैं, बस अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा कैसे किया करते थे। x का स्क्वायर और फिर जो ये x वाली टर्म है इसमें हम क्या करते थे,
टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ठीक है, टू माइनस, अब देखिए टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, यानी कि मुझे टू चाहिए होता है इसमें अलग से, अरे टू तो पहले से ही दे रखा है इसमें, तो इसमें पहले से ही दे रखा है, तो आप एक काम करो, टू टू वाला टर्म, मुझे टू चाहिए होता है यहाँ पर, तो टू यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, फिर एक्स को अलग कर दो ऐसे, मतलब एक्स का स्क्वायर आपने करा, टू आपको चाहिए होता है, टू यहाँ पर पहले से मौजूद है, फिर मैंने जिसका स्क्वायर करा वो वाला टर्म भी चाहिए होता है, मैंने एक्स का स्क्वायर करा तो मुझे एक्स भी चाहिए होता है, एक्स पहले से ही मौजूद है, ठीक है, तो ये तो माइनस टू एक्स हो गया, ये पहले से ही मौजूद था, तो मैंने इसमें कुछ नहीं करा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सीधा सीधा वन लिख दीजिए, भाई वन तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, yes. वन तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, वन मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस अब एक काम करना होगा, आप इसमें वन का स्क्वायर ऐड कर दो और वन का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ये काम कर दो, इससे क्या होगा मेरा यहां से लेकर और यहां तक ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज हाउ परफेक्ट स्क्वायर मेथड इज कंप्लीटेड, ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये हो गया, क्या करूंगा इसे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस वन, ये बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर और ये माइनस वन का स्क्वायर, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि मैं माइनस वन का स्क्वायर क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप एक मिनट में समझने वाले हैं, अभी ये माइनस वन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने पहले बाहर कॉमन निकाला था और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया, अब सोचिए अगर यहाँ x माइनस वन ना होता सीधा सीधा x होता तो मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता है, यहाँ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, मैं वो फॉर्मूला लगा देता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो x माइनस वन दे रखा है, इसको t मान दो बस, लेट x माइनस वन इज इक्वल टू बी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स With respect to x, दोनों तरफ x के respect में differentiate कर दीजिए, तो देखिए बेटा इसका x का differential हो जाएगा 1 minus इस 1 का हो जाएगा 0 और t को जब x के respect में करेंगे तो ये हो जाएगा dt by dx, तो यहाँ 1 minus 0 यानी कि क्या बचा 1, जब dx को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा dx is equal to dt, ये values यहाँ substitute कर दीजिए, लेकिन फिर हमें इस क्वेश्चन में तो चलो मिल गया, लेकिन ऐसे हमें न्यूमरेटर का भी ध्यान रखना होगा ना फिर कि मतलब उसका डिफरेंशिएशन आने दो, अभी आने दो, न्यूमरेटर वाला भी आने दो, उसको भी देखते हैं, अभी न्यूमरेटर वाला भी आने दो, वो भी बताता हूँ क्या करना है उसमें, वो सारे मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हमको अलग अलग डिस्कस करने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन पहले मेथड डिस्कस करना और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना, पर्टिकुलरली इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद मेथड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा dx is equal to dt हो गया तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसको सब्स्टिट्यूट करो, आप इंटीग्रेशन dx की जगह मैंने डाल दिया dt और अपॉन में 1 square minus t square, एक तरह से वही तो हो गया कि dx upon a square minus a x square का under root, क्या होता है formula, sin inverse x upon a, x की जगह t है यहाँ पर, तो sin inverse t upon 1 plus c, मतलब sin inverse upon में 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, t की जगह क्या है x minus 1, तो sin inverse x minus 1 plus c, समझ में आ गया या नहीं बताइए, यस सर आ गया, आकर्ष क्लियर है, हाँ जी सर, ठीक है, प्रतिभा तुम बताओ,
यस सर क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 में तीन पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 डिनोमिनेटर में है, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 अब देखिएगा यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना होगा तो देखो क्या करना है। जैसे मुझे 2 निकालना होता था तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, देखिए dx अपॉन सबसे पहले तो x स्क्वायर मुझे मिल गया, याद रखना ये जो x स्क्वायर है ना ये अकेला होना चाहिए, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, ये अकेला होना चाहिए मेरे पास। और अगर अकेला नहीं होगा तो मैं उस टर्म को कॉमन निकाल के पहले इसको अकेला बनाऊंगा, तो x स्क्वायर के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। चलिए x का स्क्वायर हो गया, फिर ये जो 6x है यानी कि x वाली टर्म है इसमें से 2 अलग निकाल लो, तो माइनस तो है बीच में, चलिए माइनस 2 अलग निकाल दिया, फिर ये x अलग लिख लो माइनस 2x। अब 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, जब 3 यहां पर अलग आ गया तो अब 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दो, और ये जो प्लस 13 लिखा हुआ है इसको बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे। मैंने क्या करा, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया और प्लस 13 लास्ट में लिख दिया जो था ही इसमें। ऐसा मैंने क्यों करा, यहां से लेकर यहां तक ये वाली टर्म क्या बन गई मेरे पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अभी ये दीवार क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 विद अ माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया प्लस का 4, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सीधे सीधे भी कर सकते हो पर एक दो स्टेप लिखने हैं, उनमें कंजूसी मत करना है, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, लिखिएगा। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो x वाला टर्म आता है हमेशा इसी को टी मानते हैं, कुछ सोच रहे हैं ये सेम पैटर्न है सभी क्वेश्चंस का, तो लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, 3 इज अ कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल 0, और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt by dx, dx को इधर ले आओ, dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा देखो, यहां आ जाएगा मेरे पास i is equal to integration dx की जगह आ जाएगा dt upon x minus 3 हो गया t, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सिंपली x की जगह t ही तो आ रहा है बस, तो dx upon x square plus a square, इसका इंटीग्रल मैंने क्या देखा था 1 upon a tan inverse x upon a, यहां पर a क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1 upon 2 tan inverse t upon 2 plus c, 1 upon 2 tan inverse, अब t मैंने क्या माना था x minus 3, tan inverse x minus 3 upon 2 plus c, बताइए जी clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा इसका second part किस तरीके से करना है, dx upon देखिए सेकंड पार्ट में है
I is equal to integration dx upon 3x square plus 13x minus 10. dx square plus 13x minus 10 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मुझे x square जो है वो अकेला चाहिए होता है, x square के साथ कोई term multiply हो रही होती है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन निकाल लूंगा। डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन निकालने का मतलब क्या है, ये बाहर मैं ऐसे लिखूंगा 1/3। मैंने डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, dx upon ये बचेगा x square। कॉमन लेने का मतलब है कि हर एक टर्म को मैंने 3 से डिवाइड करा है डिनोमिनेटर में, तो 3x square को जब 3 से डिवाइड करा तो बचा x square, 13x को जब 3 से डिवाइड करा तो बचा 13/3x and minus 10/3। इस डिनोमिनेटर को डालो जी ब्रैकेट में, अब बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस, अब प्लस साइन है माइनस नहीं है, प्लस है कोई बात नहीं, मुझे 2 चाहिए और x चाहिए तो लिख दो जरा 2 और x। अब 2 और x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 13/3x बन जाए, 13/6। ये समझ में आया कि नहीं? Yes sir। ठीक है, ये हो गया 13/6। इसके बाद देखिएगा 13/6 जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा और 13/6 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो गया। तो बस एक बार ये बता दीजिए 1/3 हमने बाहर क्यों करा? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहां तक पहले बता दीजिए ये क्लियर है कि नहीं, जो मैंने होल स्क्वायर इसका बनाया है। यस सर। ये क्लियर है? अच्छा आप बताइए मयंक, आकर्ष, क्लियर है दोनों को? हाँ जी सर। ठीक है, अब बस 2 मिनट के लिए इस चीज को रट लो कि डिनोमिनेटर में या कहीं पर भी अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये मुझे अकेला चाहिए, इसको 2 मिनट के लिए रट लीजिए बस। और ऐसा मैंने क्यों करा है वो 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले ये देख लो। मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर को मुझे अकेला चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए 3 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मैंने ये चीज मैंने रट ली और 2 मिनट बाद बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों करा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 169/36 माइनस 10/3। ठीक है, डालो एक ब्रैकेट में 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अभी 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 36 माइनस 36 ये हो गया 169, तो प्लस लगाओ बीच में ये माइनस का 169, 3 कम से 36, 12 इनटू 10 माइनस का 120, इसको डाल दो ब्रैकेट में 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। तो भाई 169 और माइनस 120 कितना हो गया, माइनस 289, माइनस 289। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का
17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये बता दो ये समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। हाँ जी ठीक है, x plus 13 upon 6 का होल स्क्वायर minus 17 upon 6 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बना है ना, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे इसको आप t मान लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये 3 कॉमन लिया था उसको बताऊंगा अभी, 2 मिनट और उसको बता रहा हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा कि x plus 13 upon 6, मैंने कहा let x plus 13 upon 6 is equal to t, differentiate both sides with respect to x। अब क्या होगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं हर क्वेश्चन में देखूंगा एक ही काम हो रहा है क्या, भाई इधर x है, x का डिफरेंशियल 1, इधर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इक्वल टू dt by dx, ये आ गया dt by dx, बिल्कुल सही। ठीक है अब ये इधर चला गया, अनिकेत आवाज आ रही है? अनिकेत आवाज नहीं आ रही होगी, बिल्कुल नेटवर्क चला गया होगा अभी अभी अचानक। चलो जी dx is equal to dt हो गया है ना, ये dx is equal to dt आया, ये कैसे आया, जब यहाँ पर x अकेला था ये तब आया, इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया है। मोरओवर अगर मान लो मैं 3 कॉमन नहीं लेता क्वेश्चन तब भी होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैंने उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं x के स्क्वायर को अकेला रखते हैं। सोचो अगर मैं 3 कॉमन नहीं लेता तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा मुझे ये करना पड़ता, रूट 3x का होल स्क्वायर, समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ता रूट 3x का होल स्क्वायर। फिर अगला टर्म जो मैंने सिंपली यहाँ पर 2 इंटू एक्स कर दिया, वो अगला टर्म मुझे ये करना होता बेटा 2 इंटू रूट 3x, मैं वही करूंगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a मेरा आसान तब रहेगा जब इसमें अकेला सिंगल एक x हो, कोई भी एक दूसरा टर्म आ जाएगा तो दिक्कत होगी। yes, समझ में आ गई? yes. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक लेमैन की तरह इस चीज को रट्टा मार लेते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है तो उसमें x स्क्वायर को अकेला रखना है, बस सबसे पहला काम यही है कि अगर x स्क्वायर के साथ कुछ हो तो उसको बाहर निकाल लो, क्यों मेरा आगे का काम आसान हो जाता है। सोचो अगर मान लो यहाँ पर रूट 3x होता ना तो फिर ये मेरे पास ना 1 नहीं आता, ये मेरे पास क्या आता बेटा रूट 3 डी एक्स आता है, ये रूट 3 आता है, तो फिर एक नया झमेला कि डी एक्स को मैं क्या करता dt by root 3 करता है, तो होती ना प्रॉब्लम। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप पहले ही 3 नीचे से कॉमन निकाल लो, समझ गए? यस सर। चलिए तो आगे चलता हूं मैं, तो यहां से क्या होगा, यहां से मेरा dx is equal to dt आ गया, dx is equal to dt आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो i is equal to 1 upon 3 integration dx की जगह सीधा सीधा dt upon x plus 13 by 6, x plus 13 by 6 को मैंने t माना है, तो t का स्क्वायर माइनस 17 by 6 का होल स्क्वायर, क्या हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या हो जाएगा वही सबसे पहले वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 3 अपनी जगह ही 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a यानी कि 2 इनटू 17 अपॉन 6 log mod x माइनस a, x माइनस a मतलब t माइनस 17 अपॉन 6 अपॉन p plus 17 upon 6 plus c, 3 2 जा 6, ये multiply था ना, 3 2 जा 6, 6 जा 6 cancel, क्या आ गया 1 upon 17 log t की जगह value डाली है, t को मैंने क्या लिया था x plus 13 by 6 x plus 13 by 6 minus 17 by 6 upon x plus
13 by 6 plus 17 by 6 mod close plus c 1 upon 17 ऊपर एलसीएम ले लो log mod 6x plus 13 minus 17 कितना हो जाएगा माइनस का 4 upon 6 upon 6x 13 plus 17 कितना हो जाएगा 30 upon 6 6 से 6 cancel plus c और सिंपलीफाई करना चाहते हैं टू को अपन ले लो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 1 upon 17 log mod ऊपर मैंने 2 कॉमन ले लिया ये हो गया 3x minus 2 नीचे मैंने 2 कॉमन ले लिया ये हो गया 3x plus 15 और plus c उसे 2 कट गया आंसर देखो यही आ रहा होगा 1 upon 17 log mod 3x minus 2 upon 3x plus 15 अच्छा ये एग्जांपल है ना 3x minus 2 upon ठीक है इन्होंने क्या करा कि यहां से इन्होंने 6x plus 30 था इसको इन्होंने नीचे से 6 कॉमन ले लिया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा भी ठीक है उन्होंने उसको और फर्दर सिंपलीफाई करा है सिंपलीफाई किस तरीके से कि log a upon b इसको इन्होंने खोल दिया कि log a minus log b वो करके खोला है और फिर उसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको अलग ले गया और इसको कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया हमारा भी पूरी तरह से ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया यस सर ठीक है जी अब इसके बाद शिवांगी क्लियर है इसके बाद देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या है dx upon अंडर रूट 5x square minus 2x I is equal to integration dx upon 5x square minus 2x within a square root ये दे रखा है 5x square माइनस टू एक्स फिर से वही काम करना है अब अंडर रूट के अंदर करना है तो अंडर रूट के अंदर आप देखिए कि x स्क्वायर मुझे तो अकेला चाहिए x स्क्वायर तो मैं तो 5 कॉमन ले लूंगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट यहां से ले लिया 5 कॉमन तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 x इतना हो गया अब जैसे ये 5 है इसको बिल्कुल अलग ही निकाल दो ना तो ये फालतू में परेशान करेगा इसको आप कर लो 1 upon root 5 इसको अलग निकाल लीजिए अब इंटीग्रेशन dx upon बेटा ये समझ में आ गया ये मैंने अलग निकाल लिया root 5 ये वाला यस सर ठीक है अब अंडर रूट के अंदर बस ये बचेगा x square minus 2 upon 5x तो अंडर रूट x square और 2 और x मुझे अलग अलग चाहिए होता है और 2 और x मुझे दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर मेरा काम आसान हो गया 2 multiplied by x इसको 2x upon 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 upon 5 से multiply 1 upon 5 से यहाँ पर multiply तो ये वही बना 2x upon 5 1 upon 5 का square add कर दो 1 upon 5 का square subtract कर दो 1 upon 5 का square add कर दिया और 1 upon 5 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास क्या बन गया a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab तो a minus b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1 upon under root 5 इंटीग्रेशन dx upon under root x minus 1 upon 5 का होल स्क्वायर x minus 1 upon 5 का whole square minus 1 upon 5 का whole square ठीक है बस हो गया काम अब x minus 1 upon 5 को d मान लो
let x minus 1 upon 5 is equal to differentiate both sides with respect to x फलाना दिमाग का वो सब करते रहना वो करके ये dx is equal to dt तो आएगा हर एक केस में यही हो रहा है मैंने छोड़ दिया उसको आप कर लेना स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है पेपर में तो 1 upon 5 I is equal to 1 upon root 5 integration dx की जगह dt और upon में under root x minus 1 upon 5 की जगह t तो theta square minus 1 upon 5 का square क्या हो गया dx upon under root x square minus a square इसका formula क्या होता है log mod x plus under root x square minus a square formula number 4 वो लगेगा यार 1 upon root 5 as it is log mod t plus under root t square minus 1 upon 5 का whole square plus c फिर क्या करेंगे 1 upon root 5 log t की वैल्यू डाल दो b की वैल्यू क्या है x minus 1 upon 5 x minus 1 upon 5 plus यहां पर भी t की वैल्यू डाल दो x minus 1 upon 5 का होल स्क्वायर minus 1 upon 5 का स्क्वायर mod close plus c बताइए जी इतना समझ में आ गया यस सर अगर ये हो गया है तो इसमें क्या होता है जनरली ना हम एक काम करते हैं जब अंडर रूट के अंदर ये सेम टर्म आ गई ठीक है जिसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाया किसका था आप ये देखिए x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5x x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5x इसको ही तो सिंपलीफाई करके x माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर आया था तो इसको वापस यही लिख सकता हूं कि नहीं पर्टिकुलरली इस टर्म की बात कर रहा हूं 1 अपॉन रूट 5 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 2 बाय 5 x स्क्वायर माइनस 2x बाय 5 बिल्कुल x स्क्वायर माइनस 2x बाय 5 ये लिखकर मॉड क्लोज करो प्लस सी हाँ किसी को लगता है कि भाई मैं इसको और फर्दर सिंपलीफाई करना चाहता हूँ फर्दर कर सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 10x बन जाएगा फिर रूट 5 को बाहर ले लो उस रूट 5 का यहाँ एलसीएम ले लो तो वो भी आप कर सकते हो पर इतना कर दिया सफिशिएंट है बहुत है और एग्जामिनर इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करता ठीक है ये आपका हुआ इसका थर्ड पार्ट ठीक है इसके बाद अब आपका एग्जाम्पल 10 ये वो वाले पोर्शन है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में भी कुछ आ जाता है न्यूमरेटर में भी कुछ आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि आज फिर ये अभी 5 मिनट बचे हैं हो नहीं पाएगा उसमें तो आप एक काम करिए सर एक मिनट साइड हट जाइए हाँ जी बिल्कुल आपको एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1-4 आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, और 4 करेंगे 2, 3, और 4 और 10 से लेकर 14 तक मैं होमवर्क लिख रहा हूं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 तो ये करने हैं बाकी अभी मत छेड़ना क्वेश्चन नंबर 2, 3, और 4 ये करो उसके बाद 10 से लेकर 14 तक क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन नंबर 14 बस इतना कर लेना जी होमवर्क में और कर लेना याद से सभी बच्चे कर लेना और जब करो तो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना ठीक
ठीक है, ये करने के बाद में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस वाले मैंने जो 9 फॉर्मूले बताए हैं, तो इन फॉर्मूलों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इन पर बेस्ड है। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस प्लीज कर लेना, इनको छोड़ना, लापरवाही मत दिखाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूजडे को लूंगा। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है जी, ओके सर, बाय सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके।